जैसे पिछले रात लाहौल में भी बारिश हुई, लेकिन बाकी जिलों के मुकाबले बारिश यहाँ कम रही। तो मैं ओवरऑल कहना चाहूंगा कि जो हालात हैं यहाँ सामान्य हैं, और इसमें जो हमारे जो रोड्स हैं, मेजर रोड्स हैं, वो जो हमारे ले मनाली हो गया या शिंकुला वाला रोड हो गया, वो खुला हुआ है, ओपन है। और मगर इसमें जो हमारा लोसर से ग्रामपुर रोड है, वो लैंड स्लाइड और फ्लड के कारण दो चार जगह उसको बंद किया गया है, और उसका मेंटेनेंस का कार्य स्टार्ट चल रहा है। तो 2-3 दिन तक हम इसको क्लोज रखेंगे। और उसके अलावा जो हमारा लोसर से सुमदो वाला रोड है, वो भी ओपन है, और जो SKTT रोड है, वो भी खुला हुआ है। इसमें मेन हमारी समस्या जो है वो मनाली के रोड को लेकर है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो ले और जो जो हमारा कारगिल से काफी टूरिस्ट या गाड़ी यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो मनाली में भी रोड क्लोज है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग एडवाइजरी फॉलो करते रहें जो कुल्लू प्रशासन की तरफ से या मंडी प्रशासन की तरफ से आता है, क्योंकि अगर वहां से आप चले और यहाँ फंस जाए, तो कृपया करके अगर आप अपना जो टूर है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो कृपया करके इसको करें। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अभी ठीक चला हुआ है, कहीं कहीं बीच में मेंटेनेंस का कार्य है। जैसे कि हमारा जो लाहौल में है वो थिरोड प्लांट से आता है और दूसरा मनाली से आता है, तो मनाली में कुछ मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, तो शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, साथ साथ जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो भी हमारा ठीक चला हुआ है, और जो प्रशासन की हमारी तैयारी है, हमारे जितने भी अधिकारी फील्ड पे हैं और क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इसको। और जैसे कि हमारा लास्ट टाइम कुछ हॉटस्पॉट सेंसिटिव जोन्स थे, जैसे कि हमारा पागल नाला, तेलिंग नाला हो गया, यहाँ पे फ्लडिंग का चांस काफी रहता है, तो हमने वहां पे एम्प्लॉय कर रखा है। साथ साथ हमारा जो जालमा नाला हो गया, उसमें भी थोड़ी फ्लडिंग का इश्यू आ गया है। और मेन है जो हमारे टूरिस्ट हैं वो चंद्रताल में काफी ज्यादा करते हैं, और इसमें इस बार आपको पता है जैसे हमने बातल में सैटेलाइट फोन दे रखा है, तो हम लोसर साइड से कुछ हमारे टूरिस्ट हैं उनको उधर वो चले जाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन तक ये रोड मेंटेनेंस में स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसे ही हमारे वेदर प्रेडिक्शंस आते हैं और मौसम ठीक रहता है तो उसको हम ओपन कर देंगे। ओवरऑल सामान्य है, मेन हमारी समस्या ये है कि हमारे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं मनाली की तरफ या मंडी की तरफ इधर से, उसको थोड़ा सा एडवाइजरी को देखते हुए ही ट्रैवल करें, क्योंकि जब तक रोड खोलेगा नहीं तब तक आप वहां नहीं जा पाएंगे और बीच में फंसने की दिक्कतें आ सकती हैं। धन्यवाद।